उसके अलावा मुझे शौक था बचपन से कि मैं एक्टिंग भी करूं, थिएटर भी ज्वाइन करूं और इस किस्म के काम करूं। और ये शौक भी मैंने पूरा किया। कहां पूरा किया? ये पाकिस्तान में पूरा किया, जब मैंने इंग्लिश थिएटर प्लेस को डायरेक्ट करना शुरू किया, उसमें एक्टिंग भी शुरू की, उसको प्रोड्यूस भी किया। यानी मैंने इंग्लैंड से डिग्री करने के बाद ऑस्ट्रेलिया गया, वहां से मैंने मास्टर्स किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। और उसके बाद जब पाकिस्तान वापस आया तो 9 to 5 तो मैं आईटी टेलीकॉम सेक्टर में बुक था। 9 to 5 ये तो मेरी जॉब थी, लेकिन 5 to 9 रात को 5 शाम को 5 से लेकर रात 9 बजे तक मैं थिएटर ड्रामा की प्रैक्टिस, रिहर्सल, टीम ट्रेनिंग ये क्या करता था एवरी सिंगल डे सिवाय वीकेंड्स के। और इसमें मुझे 2 साल के महदूद अरसे में बहुत शोहरत भी मिली और मेरा ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। मुझे ये जो आप आर्टिकल देख रहे हैं, ये जीटी मैगजीन है, बड़ा मशहूर मैगजीन है, जिसमें 12 पेजेस का मेरे ऊपर उन्होंने आर्टिकल लिखा, 12 पेजेस का। और सीएनएन इंटरनेशनल पे मेरा इंटरव्यू हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुझे इनाम मिला कि उसने कारकर्दगी के ऊपर। हेरल्ड मैगजीन के अंदर जो उस साल का बंपर एडिशन, जो एनुअल एडिशन होता है, उसमें उन्होंने लिखा 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी, मुझे भी उन्होंने नंबर 37 में डाल दिया। और यहां तक कि इंडियन अखबार ने लिखा कि नेक्स्ट जो पाकिस्तान से उभरता सितारा आ रहा है वो ये बंदा है। उन्होंने कहते हैं कि जी नेक्स्ट जो पाकिस्तानी को एक्टर सामने आने वाला है वो ये शख्स है। और बहुत तारीफें और शादी, मेरा तो मतलब आप सोचे कि ईगो कहां आसमानों में जाने लगी थी। और मुझे लगा कि मैं जिस प्रोजेक्ट को हाथ लगाता हूँ वो गोल्ड हो जाता है, जिस प्रोजेक्ट को हाथ लगाता हूँ गोल्ड हो जाता है, इस तरह से काम चल रहा था और मेरा ग्राफ रॉकेट की तरह जा रहा था। और इस महदूद अरसे के अंदर मैंने लेकिन एक्सपोज हो गया इस सेलिब्रिटी कल्चर से। मैंने एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर्स, डांसर्स, हर तरह के लोगों से मेरा पाला पड़ा। वो मैं उनको हायर भी करता अपने प्लेस में, मूवी डायरेक्टर्स के साथ उठना बैठना, इन्हीं के साथ पार्टियों पे जाना, इनके हालात मैंने देखे बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि इन फ्रंट तो ये बड़े अच्छे होते हैं, मैंने इनके हालात देखे बिहाइंड द सीन्स कैसे हैं। ये वो टाइम था जब मैं एक्सपोज हुआ कि असल में पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ज्यादातर मेरा टाइम मैंने बताया मुझसे बाहर ही गुजरा था, लेकिन जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मैंने देखा कि मतलब अल्लाह माफ करे, बाहर भी मैंने लोगों को पार्टी करते हुए देखा था, लेकिन जो लेवल मैंने यहां देखा है मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। हम पाकिस्तानी जब खराब होने पर आते हैं ना तो सुभान अल्लाह सबका नंबर काट जाते हैं। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये किस किस्म का दोगलापन है, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है इसमें से एक्टर्स ऐसे हैं। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, आज के पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम जो है, सबसे बड़े नाम, मैं छोटे मोटे अरे गहरे की बात नहीं कर रहा, सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द मीडिया इंडस्ट्री राइट नाउ, मेरा उनको पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता हूं। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जिनको पहली दफा एक्टिंग पे ट्रेन ही मैंने किया था, इनका जिंदगी का पहला प्ले मेरे साथ था, इनकी जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस जो इन्होंने देखी थी जहां से ये इंस्पायर होते वो मेरे साथ। इन्होंने मेरा प्ले देखा और कहा कि जी मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं आपकी तरह कुछ डायरेक्ट करना चाहता हूं, प्रोड्यूस, मैं कहा बिस्मिल्लाह बच्चे आ जाओ साइड पे, उनको ले गया और सिखाया। फिर लेकिन फर्क ये था, ये मैं 2 साल के अंदर मुझे घन नजर आया, मैं साइड पे हो गया और ये लोग लगे थे करते रहे इसी में काम। द थिंग इज मैं क्यों साइड पे हुआ,